एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2, लेट्स नेम इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। डियर स्टूडेंट्स, डिड यू हियर द साउंड ऑफ म्यूजिक? क्या आपने कभी संगीत की आवाज़ को सुना है, महसूस किया है? स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर लिसन समथिंग देन वी हैव टू बी इंजॉय इट। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हम उस चीज़ को इन्जॉय करते हैं, उसको फील करते हैं। बट डिड यू थिंक दैट इफ़ समवन इज़ नॉट एबल टू हियर, कि कोई किसी चीज़ को सुन नहीं सके, बल्कि बिना सुने किसी चीज़ को फील करना और उसको एक्सप्रेस करना, इज़ इट पॉसिबल और इज़ इट वेरी ईजी फॉर समवन एल्स? In this chapter, we have to be read about such type of story that has to be stamped, or we can say that make an example of such type of child that has to be Alvin Gillen. Listen to sound without hearing it. कि बिना सुने एवलिन गैलिन जो है वो म्यूज़िक को हियर करती है, साउंड को सुनती है बिना सुने। कैसे? सो बिफोर वी रीड, बिफोर वी स्टार्ट, there are some words, there are some linings are given to us that has to be explaining. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उसे सुनने की शक्ति दी, लेकिन वो छीन ली, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा उसे दिया। What we hear, हम जो सुनते हैं, she feels, वो उसे महसूस करती है। फो मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हम उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं अटैम्प्ट करते हैं, बट शी हैज़ टू बी फील द म्यूज़िक नॉट ओनली हियरिंग, बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू बी हियर इट, शी इज़ नॉट एबल टू बी, शी इज़ नॉट कैपेबल टू बी हियर इट, वो नहीं उसको सुन सकती है, तो वो सिर्फ उसको फील कर रही है जो जिसको कि हम सुनते हैं, और उसको बहुत ही ब्यूटिफुली वो एक्सप्रेस कर सकती है जितना कि हम नहीं कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फाउट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। यहाँ पे हम एक पर्सन की स्टोरी दी गई है जिसमें कि उसके फिज़िकल डिसेबिलिटी को दिखाया गया है और किस तरह से उस फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ भी उसने अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाया। रश आर क्राउड चोस्टिन फॉर द पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म। नीचे की ओर जो प्लेटफार्म बना हुआ था ट्रेन के लिए, वहाँ पे रश आर्स थे। रश आर का मतलब होता है बहुत ही भीड़ भाड़ वाला समय, जहाँ पे अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, अपनी 17 साल की उम्र से वो काफ़ी छोटी लग रही थी। वो इज़ नर्वस येट एक्साइटेड, वो काफ़ी नर्वस भी थी फिर भी वो काफ़ी एक्साइटेड थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी जब ट्रेन की पटरियों पर ट्रेन आना शुरू करती है तो किस तरह की एक वाइब्रेशन, जो साउंड होती है वो हम अपने पैरों में फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर कर शी इज़ सो एक्साइटिंग। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन। आज उसका पहला दिन था लंदन की रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और उसके लिए ये बहुत ही आज अच्छा दिन था दैट शी हैज़ टू बी गो देयर। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन अ मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। लेकिन मतलब एक इतने बड़े म्यूज़िक स्कूल में जाना, उस चीज़ को फील करना, लेकिन एक ऐसे बच्चे के लिए, एक ऐसे म्यूजिशियन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब वो सुन ही नहीं सकती है। एवलिन गिलन लॉस ऑफ हियरिंग, उसे सुनने न सुनने की प्रॉब्लम थी, उसको वो सुन नहीं पाती थी, हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वैन द 8 ईयर्स ओल्ड, कि उसकी मम्मी ये बताती हैं कि जब वो 8 साल की थी तब कुछ दिक्कत उसके साथ नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाती है। एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई लेकिन उसने मुड़ कर नहीं देखा। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट मैनेज, शी हैड नॉट हियर, सेज इज़ बिल गिन फॉर क्वाइट अ वाइल। एवलिन
managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. यानी धीरे धीरे जब उसकी माँ ने उसको उससे नमाज लगाई एंड शी इज़ नॉट आंसरिंग हर दैन शी हैज़ टू बी फील दैट शी इज़ नॉट एबल टू बी हियर. और उसकी इस डिफनेस को उसके फ्रेंड्स और उसके टीचर्स ने कंसील कर दिया दैट शी इज़ नॉट एबल टू बी हियर. बट बाई दिस टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डेटोक्रेटेड एंड हर हैड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. लेकिन जैसे ही उसकी फ्रेंड्स ने उसके टीचर्स ने ये रिकमेंड कर दिया दैट शी इज़ नॉट एबल टू बी हियर एंड हर मार्क्स आर नॉट अप्रिशिएबल देन द हेडमिस्ट्रेस ऑफ हर स्कूल हैज़ टू बी अर्ज्ड हर पेरेंट्स दैट दे टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट कि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास उसको लेके जाए तो वो ठीक हो सकती है. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और जब उसको treat करवाया गया दिखाया गया then they have to be know about कि कोई nerve damage हो गई है उसके कान की जिसकी वजह से she is not capable to be hear, वो नहीं सुन पा रही है. They were advised that she should be fitted with hearing aids कि शायद जो सुनने की मशीन आती है वो अगर यूज़ करें तो इट मे बी पॉसिबल दैट शी कैन बी हियर एंड सेंड टू स्कूल फॉर अ डीफ. या फिर उसे जो ऐसे बच्चे हैं जो डीफ हैं जो सुन नहीं पाते हैं उनके स्कूल में भेजा जाए. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन कहती है कि सब कुछ मुझे ऐसे लगा जैसे ख़त्म हो गया काला हो गया है. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप लेकिन वो हर चीज़ को इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड उसने दृढ़ फैसला किया टू लीड अ नॉर्मल लाइफ कि वो एक साधारण जीवन जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक और उसने अपना इंटरेस्ट अपनी रुचि संगीत में दिखाई. वन डे एक दिन शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग एन एक्सलोफोन एंड डिसाइड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू. उसने देखा कि एक लड़की जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है तो उसने डिसाइड किया कि मुझे भी ये बजाना है. दैट हैज़ टू बी शोन इन दिस पिक्चर. देन मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर कई सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज कर दिया उसका उत्साह तोड़ दिया. बट परस्क्यूनिस्ट रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल लेकिन रॉन फॉप्स ने उसको अपना ध्यान दिया. ही बिगेन टू टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स उन्होंने दो बड़े ड्रम्स अलग अलग वहाँ पे रखे. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स और उससे कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो. ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे इसे किसी और तरीके से तुम्हें समझना होगा. सेज एवलिन सडनली I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Yani kis tarah se mujhe un dono drums ke beech mein difference karna tha that I have to be feel ki mujhe unko feel karna hai ki bada drum jab bajta hai to uski sound mujhe kaisi feel hoti hai aur chhota drum jab bajta hai to uski sound mujhe kis tarah se feel hoti hai. Then discover that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. और उस समय एवलिन कहती है कि मैंने अपने दिमाग और अपनी बॉडी को बिल्कुल ओपन कर दिया कि वो हर एक साउंड को हर एक वाइब्रेशन को फील कर सके. द रेस्ट वो शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क और बाकी तो क्या था एक दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत उसका रिजल्ट. She never looked back. उसने कभी पलट कर नहीं देखा. From that point towards, उसी क्षण से आगे की ओर. She toured the United Kingdom with the youth orchestra. And by the time she was 16, और जिस समय वो United Kingdom एक youth orchestra के साथ गई थी उस समय वो मात्र 16 साल की थी. She had decided to make music her life. उसने तय कर लिया था कि संगीत ही उसकी लाइफ है. She auditions
फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. उसने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए एंड स्कोर वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. और इस अकेडमी की जो इतिहास था उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स शी हैज़ टू बी स्कोर, उसने स्कोर किए. शी ग्रेजुअली मूव्ड फॉर द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. और वहाँ पर वो जा रही थी सोलो परफॉर्मेंसेस के लिए ऑर्केस्ट्रा वर्क के लिए. एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर कोर्स शी हैज़ कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड. और अपने तीन साल के कोर्स में उसने सबसे टॉप के जो अवार्ड्स थे शी हैज़ टू बी कैप्चर्ड, उसने हासिल किए. एंड ऑल ऑफ दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. लेकिन उसने कभी भी ऐसा कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं शो किया कि वो बहुत महान है. इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम ये जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाते हो. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो एकदम सही ऊंचाई पे थी. द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी पर्सोनेज इन द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. बहुत ही अच्छी सिचुएशन that she has to be scored in her life. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Bina sune, wo itna effortlessly her function ko organize karti hai. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beards with me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face. वो सिर्फ आपके लिप्स के मूवमेंट्स को ही नहीं देखती है बल्कि आपके पूरे फेस को देखती है. स्पेशली द आईज, आँखों को देखती है. शी स्पीक्स फॉलोलेसली विद अ स्टॉकिश लिप. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज. कहती है कि मैं जब से 11 साल की हूँ मैं तब से बिल्कुल स्पष्ट बोल पाती हूँ. बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज to learn French and master basic Japanese. और ये नहीं पता that how she can manage, कि उसने कैसे manage किया कि उसने French और Japanese दोनों ही languages सीखी. As for music, she explained it pour in through every part of the body, it strangle in the skin, my cheekbones and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the string into her fingertips. कि वो उस एक्सलोफोन को जब वो बजाती है तो जो स्टिक्स पे जो साउंड रिप्रोड्यूस होती है, शी हैज़ टू बी फील हर फिंगर टिप्स, वो अपने फिंगर टिप्स में उसको फील करती है. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. यानी जो वाइब्रेशन होती है वो उसको महसूस करती है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म में शी रिमूव्स हर शूज, वो अपने जूते उतार देती है. सो दैट द वाइब्रेशन पासिस थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स, कि अपने नंगे पैरों से वो उस साउंड को, उस वाइब्रेशन को महसूस कर सके अपने पैरों तक. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. अपने audience को वो बहुत ही पसंद आती है, बहुत ही वो अपने audience को हमेशा हम कह सकते हैं कि delight करती है. And in 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious scholarship of the year award, says Master President James Palates. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. वहाँ पर जो उनके प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि ईश्वर ने इसके सुनने की शक्ति ज़रूर छीनी है, लेकिन इसको बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अविस्मरणीय दिया है. What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, ये उसे महसूस करती है. For more deeply than any of us, यानी हम सबसे ज़्यादा, इतना हम उसको नहीं महसूस कर सकते हैं. That is why, और यही कारण है, she expresses music so beautifully, कि वो संगीत को हम सबसे ज़्यादा वर्णित कर सकती है खूबसूरती से. Evelyn confesses,
एवलिन भी कहती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि वो भी एक वर्कहॉलिक है. आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मैं सिर्फ काम करने जाती हूँ. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशंस, कि जो क्लासिकल म्यूजिशंस होते हैं उनसे भी मैं कहूँ थोड़ा ज़्यादा, बट रिवॉर्ड द इनॉर्मियस, लेकिन इनाम जो है मेरे को जो रिटर्न मिलता है इट इज़ इनॉर्मियस, वो बहुत विशाल है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन द प्रिजनर्स एंड हॉस्पिटल्स, कि वो जेल में और जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती है. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो ज़्यादा जो प्रायोरिटी है, महत्व जो है वो यंग म्यूजिशियंस को देती है. एंड रिशलिन ऑफ द मिथोवियन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, जो थॉलियन फंड के जो एलन रिटन हैं वो कहते हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डिफ चिल्ड्रन, कि ये उन बच्चों के लिए एक शाइनिंग चमकती हुई प्रेरणा है जो सुन नहीं सकते हैं. दे सी, वो देखेंगे दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि ये वहाँ जा सकते हैं ये लोग जहाँ दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते. एवलिन गेलन हैज़ ऑलरेडी कम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी उसने अपने लाइफ में इतना पाया है शायद लोग दो जन्म में भी नहीं पा सकते हैं. शी हैज़ ब्रॉट प्रिकॉशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप पीपल हु लुक्ड हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन. And not least, she has given enormous pleasures to millions. कि अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं. That handicapped जो peoples होते हैं उनको वो हमेशा inspire करती है, orchestra के वो front में होती है, and she has to be guide all the peoples who are moving there. And they have to be realized if she can do, then why we are not. So I hope students, you all have to be understand. Tomorrow we are doing the question answers. Thank you for watching my video.